कैसे हो सब लोग? कैसे हो? कैसे गया आपका ट्रेडिंग का ये वीक? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी इस वीक में। तो कैसे गया आपका वीक ये? ओके, वेरी गुड। ओके, कमेंट्स तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। आई गेस बहुत से लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है इस वीक में। गोल्ड का एनालिसिस जो दिया था वो किसने किसने फॉलो किया, उसमें कम से कम हमें मेरे ख्याल से 200-300 पिप का टारगेट मिला है। लेट 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 मी शो इट टू यू। वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो उसमें ये क्या हुआ था, देखिए, हमने यहाँ से एक एंट्री लिया था दिस, ये एरिया से, मतलब लाइक दिस, यहाँ से भी एक एंट्री टाइप था। आफ्टर दैट ये जो सिनेरियो दिख रहा है, दिस एरिया 2000 कितना है, 37-38, यहाँ से भी एक अच्छा, तो बहुत अच्छा टारगेट मिला है। सो जिन लोगों ने लिया है, चीयर्स टू देम। ओके, एंजॉय बहुत अच्छा जा रहा होगा आपका, सॉरी वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा आपका। और जिन्होंने नहीं किया है, नो वरीज, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। अरे यार, स्कैल्पिंग सेटअप, टोटल वॉश आउट, मल्टीपल ट्रेड लगाए होंगे आपने डेफिनेटली। कौन है? लेट मी रेज योर हैंड। ओके, हु वांट्स टू कम्युनिकेट सेशन के स्टार्ट से पहले? क्या दिक्कत है, क्या आ गई आपको, मतलब इस वीक में? रियल अकाउंट कैसे ओपन करने का है? देखो, हमारा वेबसाइट है गोल्डन बुल्स, तो www.goldenbulls.in, और उसके ऊपर आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। सपोर्ट के नंबर का ही सारे हमारे हैं। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, भाई साहब आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? और स्कैल्पिंग भी, हाँ लॉन्ग टाइम बताएंगे ना, लॉन्ग टाइम के सेटअप, तो मतलब यूजे का भी सेटअप मैंने बताया था ग्रुप पे, यूजे का भी, एक यूएसडी जेपीवाई के भी पोस्ट हुए थे, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 150-200 पिप के करीब है। ओके, सागर गदा दे, यू वांट टू टॉक? ओके श्योर, बताइए। गढ़ दे सागर, गढ़ दे जी, बोलिए बोलिए। यस, अनम्यूट किया है, यू कैन स्पीक नाउ। अपने हैंड रेज किया है ना, यू कैन स्पीक, अदरवाइज लोअर योर हैंड। अरे हाशमी साहब जी, ये जो चीजें हैं ये हम बताएंगे, बट अभी टाइम है उसके लिए, बताएंगे। हाँ, मोबाइल में तो लगा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, 9 जून को उसका हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। ओके, राजेश पवार, यस यू कैन स्पीक। 44, 44 रुपये अटक गया है, ठीक है, देखते हैं वो पॉसिबिलिटी। जा सकता है उसके चांसेस, वो सिनेरियो हम चेक करेंगे ना, गोल्ड ऊपर जा सकता है क्या? ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट सम पीपल्स। ओके, दस हु वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, इस वीक का एक्सपीरियंस, यू कैन स्पीक। और जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, इस सेशन में भी हम क्या करेंगे, एट द लास्ट ऑफ द सेशन स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए तैयार रहिए, जिसको थोड़ा, यस यस बताइए बोलिए। तो कौन से करेंसीज में आपने ट्रेड लिया था? स्ट्रेटजी कौन सा यूज करना ट्रेडिंग व्यू में? ट्रेडिंग व्यू में कौन कौन सा, कौन सी स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी, हाँ यस,
कौन सी स्ट्रैटेजी? मतलब ट्रेडिंग व्यू पे आपको स्ट्रैटेजी सीखना है ना यार? हाँ जी सर। ओके अरे भाई साहब ठीक है, उसके लिए हम दूसरा सेशन देखेंगे, दूसरा सेशन, बिकॉज ये तो सेशन है, ये एक लास्ट वीक में क्या हुआ और अगले वीक में क्या प्रोजेक्शन हो सकते हैं। और सर्फिंग कैसे करनी है? सर्फिंग हाँ सर, सर्फिंग हाँ, अगर स्कैल्पिंग अपने वो अच्छा करने गए तो अपने कैसा हुई? स्कैल्पिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग में कैसा है, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए? सबसे पहले पांच मिनट तो आपने गोल्ड में ट्रेड लिया था कि नहीं? हाँ लिया। आप कौन से स्ट्रेटेजी पे काम करते हो? मैं अभी जो करता हूँ ना वो अपना MACD। हाँ MACD। हाँ ओके, और वो यूज करता हूँ मैं स्कैल्पिंग का, मेरे को इतना नहीं मालूम पड़ता स्कैल्पिंग का, निकलता हूँ मैं फास्ट में, अगर कभी कभी मार्केट ने सेल बाय होते से कमीशन होता है। ओके तो देखिए ये अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे, यही ये भी आपके सामने एक स्कैल्पिंग का ही ट्रेड था, सेटअप था। ओके ठीक है, यू कैन सी इट इजीली। स्कैल्पिंग पे ऐसे कोई मतलब ऐसे स्पेशल कुछ नहीं होता है, ये हमने जोन ड्रॉ किया, आप यहाँ आराम से देख सकते हो ये हमें क्या मिला नीचे, नीचे कौन सा पैटर्न मिला हमें नीचे अपना इसका बताइए, ये पैटर्न कौन सा मिला है हमें नीचे? मेरे को याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इस पैटर्न, ये पैटर्न का नाम क्या है? ये पैटर्न, चलो मैं उसको ये भी कर देता हूँ, राउंड अप भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न है वो आम चुके हैं। तो मुझे एक बात बताइए, डब्ल्यू के बाद मार्केट क्या होता है? ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन उसका जो मोमेंटम होता है वो शॉर्ट होता है, सही है? मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये भी एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बन सकता था पांच मिनट में, ये देखो हम पांच मिनट में भी चेक कर सकते हैं, यू कैन सी इट क्लियरली, देखिए। हाँ, और ये सेटअप आप कब ले सकते थे? देखिए ये जो दिस एरिया, सो आफ्टर दिस ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट होने के बाद हम आराम से इसमें ट्रेड ले सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो नीचे, ये भी एक स्कैल्पिंग का आराम से। देखिए हमने भी पांच मिनट का ही टाइम फ्रेम ओपन किया, देखिए, और ये टारगेट हमने सेट कर दिया, ये हाई। ओके, दिस इज आल्सो स्कैल्पिंग सेटअप। स्कैल्पिंग मतलब हमें अभी ये स्कैल्पिंग का भी अगर देखा जाए तो ये कितने हमें पिप्स मिले, 95 पिप्स का टारगेट था। स्टॉप लॉस नीचे भी रख सकते हो, छोटा भी रख सकते हो, बराबर एक मिनट में चाहे तो तीन मिनट में स्विच करके भी आप एंट्री सेट ढूंढ सकते हो। सी दिस, लाइक एंट्री विल बी दिस एरिया और स्टॉप लॉस, मतलब उससे ये जो विक दिख रहा है आपको, ये विक के नीचे स्टॉप लॉस, ये भी एक स्कैल्पिंग का सेटअप है। और रेशियो ये गया कम से कम 1:2:3+RR। देखिए स्कैल्पिंग के आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, देखो आपको मैंने जब क्वेश्चन पूछा आपको नाम नहीं, मतलब क्विक में आपको नाम नहीं याद आया, सही बात है। स्कैल्पिंग करना है तो आपको मतलब पैटर्न्स वगैरह तो एकदम मतलब परफेक्ट चाहिए, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू कि वो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, जैसे जैसे स्कैल्पिंग के सेटअप मिल जाएंगे वी विल लेट यू नो, मतलब हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो Who's next one? उसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट पे ये करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, लेट मी अनम्यूट समवन। ओके, यस यू कैन स्पीक। हेलो, यस, हाँ सर, मैंने ना एक यूट्यूब पे देखा था कि आधा गोल्ड में आधा घंटे का टाइम फ्रेम 12 से 12:30 का। ओके ओके, 12 से 12:30 का जो टाइमिंग होता है उसका अपन लो मार्क करेंगे और हाई मार्क करेंगे, ठीक है? तो जैसे वो लो नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है, जैसा हाई ऊपर जाता है, हाई के ऊपर जाता है थोड़ा सा तभी एंट्री लगे तो प्रॉफिट होता है, मतलब दोनों तरफ से। सही बात है, कौन सा भी वो ब्रेक करेगा तो
ये हो सकता है अपना टारगेट, क्या वो सही बात है? देखिए ना सर, सही बात है वो। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर ही। 12:30 बज गए ना, तो कौन सा सेशन ओवरलैपिंग होता है, कोई बता सकता है? सर गोल्ड में बोले थे, गोल्ड में, गोल्ड में नहीं, नहीं ठीक है, करेंसी कोई भी ले लो या कमोडिटीज ले लो, दोपहर के 12:30 बजे कौन सा सेशन का ओवरलैप होता है, कोई कौन बता सकता है? या स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत अच्छा वीक था, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मेशराम जी मुझे मुझे नहीं पता है, अभी मेरे को क्या पता है नंबर उनका क्यों बंद है। गाइस प्लीज आई वुड लाइक टू मेक यू रिक्वेस्ट कि मतलब जो कुछ भी डिस्कशन क्वेश्चन पूछिए दैट इज रिलेटेड टू द चार्ट्स और फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ करेंसी पेयर्स। ओके तो मैं भी आसानी से आपको एक अच्छा गाइडेंस कर सकूंगा। सर आपने बताया ना वो सही है या नहीं, वो बात एकदम सही है, वो लंदन सेशन का एक ओवरलैपिंग होता है तो उसके उसके कुछ एक रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। गोल्ड में भी ये होता है क्या उसका? वो सही बात है। नहीं नहीं देखिए सेशन का इम्पैक्ट जो होता है ना वो सभी चीजों में पड़ता है, अगर चाहे वो कौन सी भी करेंसी हो, इंडाइसेस हो, इंडेक्स हो या कमोडिटीज हो, सब में उसका इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे नहीं होता कि मतलब एक गोल्ड पे ही पड़ेगा या मतलब इस पे पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं एक कोई सिंगल चीज सिंगल करेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सबके ऊपर पड़ता है। ठीक है लंदन, बहुत लोगों से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट टू अवर मेन टॉपिक। ठीक है तो चलो चैट बॉक्स में ये करो कौन से करेंसी या कौन सा इंडाइसेस हम सॉरी कौन सा कमोडिटीज हमें चेक करना है, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। गोल्ड 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 ओके 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 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पहले गोल्ड ओके चलो चलो गोल्ड लेते हैं नो वरीज। दो तीन एंगल आप हम चेक करेंगे गोल्ड के बारे में, आफ्टर दैट हम एक 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 करके करेंसी करेंसी पेयर के ऊपर मूव करेंगे, स्टार्टिंग से बताएंगे। हाँ डेफिनेटली जब जब स्टार्ट करेंगे ना हम अभिषेक जी, जब हम स्टार्ट करेंगे ना नो वरीज स्टार्टिंग से एंड तक मतलब मिल जाएगा आपको। सो मतलब उसके बारे में आपको मतलब ऐसे दिक्कत वाली कोई चीज नहीं आएगी, नो वरीज। सो चलो नया चार्ट ओपन करते हैं। चलो गोल्ड में अभी क्या 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 हो सकता है, लेट्स टेक अ लुक। हायर टाइम पे हम ओपन करेंगे सबसे पहले डेली का, तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग। नहीं अदर करेंसी के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए, मतलब एक एक एक, एक तो रखिए ना, मतलब एक एडजेसेंट हम जिसको बोलेंगे एक दो रखिए गोल्ड के साथ साथ। ओके तो अगर यहां हमने एक सिचुएशन देखा गोल्ड का, तो देखिए गोल्ड क्या कर रहा है, एवरी टाइम इट्स मेकिंग न्यू हायर हाई। सी देखो हर टाइम ये क्या कर रहा है, एक न्यू हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके सो एज यू कैन सी मैं उसको मार्क करूंगा न्यू हायर हाइज, सी दिस एरियाज। ओके और ये अगर हमने सिचुएशन देखा जाए तो हमें लो नहीं नजर आ रहा है प्रॉपर तरीके से, हमारे पास लो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट या बुलिश फ्लो बहुत ज्यादा है, राइट? तो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। इस चीज अगर हम देखेंगे तो हमें एक पता चलता है कि सी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे।
चलो लेट्स स्विच टू द 4 आवर टाइम फ्रेम. थोड़ा सा ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा. सी दिस, मार्केट एक तरह के चैनल में है. चैनल सही बात है. ये हमारा अभी फर्स्ट प्रोजेक्शन रहेगा या फर्स्ट एंगल रहेगा गोल्ड का. सी दिस, देखिए इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आई है, फर्स्ट टाइम दिस एरिया, सेकंड टाइम दिस एरिया, यू कैन सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब 6-7 बार ट्रेंड लाइन को अच्छे से टच हुआ है. बट जब कभी भी ये प्राइस ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, बुलिश फ्लो इज इन कंट्रोल. मार्केट नीचे जा ही नहीं, मतलब नाम ही नहीं ले रहा है जाने का नीचे. तो अभी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है गोल्ड का. सो अगर यहाँ हमने लाइन चार्ट ओपन करके देखा, सो वी आर क्लियरली सीइंग अ रिजेक्शन. सही बात है. तो देखिए हमें क्लियरली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है. पहली बात, मार्केट ने यहाँ से क्या दिया है, एक रिफ्लेक्स दिया है. मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक किया है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है. वो कितने पिप्स का है? सी यह है कम से कम 160 पिप्स का है, मतलब $16 का मूवमेंट है. लेकिन उसके बाद रेड कलर का कैंडल चालू हुआ है. सो व्हाट इट मींस कि देखिए सेलर लोग कंट्रोल में है. सी थोड़ा सा बाउंस बैक, देन सेलर्स आर अगेन इन कंट्रोल. सो इसका प्रोजेक्शन क्या हो सकता है? सी अगर हम इस एरिया को अगर मार्क करेंगे ऐसे, इस एरिया को अगर मार्क करेंगे तो हमें एक यहाँ पता चल रहा है. देखो यहाँ एक ट्रैप जैसा अच्छा सा एक सिनेरियो हो सकता है. और लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द अबाव लेवल आल्सो. सीरीज, तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगा, टैपिंग करेगा और फिर ऊपर जाएगा. अगर ये गया तो नेक्स्ट लेवल इज नियरली अबाउट 2000. सी आराम से जा सकता है, आराम से. और देखिए अगर इसलिए हमने पीछे देखा तो एवरी टाइम ये क्या कर रहा है, नया हायर हाई बना रहा है. सो इस टाइम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो पिछला जो हायर है उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा. दैट इज द बुलिश और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन फॉर गोल्ड. ठीक है, ये बात तो क्लियर, एक प्रोजेक्शन क्लियर. ठीक है, अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ एक फेक मूवमेंट होने के चांसेस भी गोल्ड में है. चलो 2 घंटे पे स्विच करेंगे टाइम फ्रेम. आफ्टर दैट सी, देखो अभी हम क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, सही बात है, मतलब प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी प्राइस सेल करेगा. चलो इसको निकाल देता हूं मैं. हाँ, तो ऐसे अगर हुआ तो हम क्या सोचते हैं कि प्राइस अभी नीचे जाएगा या हम क्या करेंगे, सेल करेंगे. लेकिन यहाँ एक ट्रैप के चांसेस गोल्ड में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन दिख रहा है दिस एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एरिया. तो यहाँ से चांसेस क्या है कि देखिए यहाँ तो अगर रिटेस्ट के ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के बाद लोगों ने क्या किया, सेल किया, या हमारे जैसे रिटेलर लोगों ने क्या किया, सेल किया. लेकिन मार्केट के चांसेस क्या है, यहाँ से ऊपर जा सकता है. तो आपके फिर ट्रेड अटक जाएंगे यहाँ से, या आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे. आपने यहाँ तो सेल किया, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको बाय करना चाहिए. सो जो बाय, जिन लोगों ने बाय किया है दे आर इन गुड प्रॉफिट, और जिन्होंने सेल किया है दे आर इन लॉस. सो ये एक प्रोबेबिलिटी है ट्रैपिंग की. लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है हमें ट्यूसडे तक मिल जाएगा शायद. हाँ, ट्यूसडे को मिल जाएगा पक्का. सो ये दैट इज द फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ गोल्ड. ठीक है, चलो अभी सेकंड देखेंगे. लेट्स, हाँ ठीक है, 2 आवर इज सफिशिएंट. पहले हम जोन ड्रॉ करेंगे. कंसीडर दिस एरिया इज द जोन फॉर, मतलब अभी जो लोअर का, लोअर साइड का जो टारगेट है फॉर सेल टारगेट, इसको हम आराम से कंसीडर कर सकेंगे. क्योंकि ये अगर एरिया देखा तो प्राइस ने क्या किया है, सी इसको हम इक्वल लो बोलेंगे. और जब कभी भी इक्वल लो बनता है डेफिनेटली मार्केट नीचे ब्रेक करता ही करता है. सो दैट इज द वन थिंग, मार्केट 1990 तक आराम से आ सकता है फॉर सेलर टारगेट. और इफ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन वी कैन इजिली टारगेट फॉर दिस लेवल. ये जो है 1950 से लेकर 1955 तक,
ये पिछले अभी दो दो सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था कि गोल्ड फॉल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो फाइनली इसका थर्सडे फ्राइडे को अच्छा सा फॉल हुआ है। सो ये लेवल आप चेक कर सकते हो। लेट मी गिव सम प्राइस लेवल्स, सी, सो दिस आर टू लेवल्स करंटली, मतलब अभी के सिनेरियो को चेक करते हुए 1987 या 1990 पकड़ो राउंड फिगर, और ठीक है राउंड फिगर ऐसे पकड़ो, चलो 1990, और दूसरा जो है 1955 पकड़ो, ठीक है। सो दीज आर द टू लेवल्स, दे आर इम्पोर्टेंट राइट नाउ करंटली। और देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ से भी वर्क करेगा, अगर ये ऊपर का 1990 का जो प्राइस है वो वर्कआउट करना चाहिए तो सी दिस ट्रेंड लाइन भी यहाँ परफेक्टली बेटर है। सो दिस इज द मतलब 90 का जो एरिया है दैट इज वेरी परफेक्ट एरिया फॉर बाय, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन के चार्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली जोन में आ गया और हमने बाय किया या सेल किया ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, इफ प्राइस ब्रेक दिस एरिया राइट, मतलब जो जोन बनाया था हमने 1990 से लेकर 85 तक, उसको अगर ब्रेक करके ये रिटेस्ट अच्छा सा देता है देन वी आर गोइंग टू द मतलब नीचे वाला जो जोन है 1955 का, वहां से वहां तक तो हम आराम से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो और एक दूसरा बताता हूँ, अगर अभी देखो फिलहाल, अभी फिलहाल अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मतलब अभी देखो ये करंट कंडीशन है राइट, तो करंट कंडीशन में क्या सेटअप बन सकते हैं वो हम चेक करेंगे, ओके। वी आर कंसीडरिंग दिस लेवल, ठीक है, ये लेवल की प्राइस यू कैन से 2006 और 2005 यू कैन से, हाँ ये परफेक्ट एरिया है 2005। तो देखिए यहाँ से हम एक अगर मार्केट बुलिश में मतलब ओपन होता है तो वी कैन लुक फॉर बाय अपॉर्चुनिटीज, सी इफ मार्केट ओपन्स अगर बुलिश में होता है तो वी कैन डू अ ट्रेड लाइक दिस। ये एक्चुअली ये स्कैल्पिंग के मतलब आ जाएंगे, हाँ स्कैल्पिंग के लाइक दिस एरिया, जो फर्स्ट टीपी रहेगा इट इज दिस एरिया, कितना है ये 2020, तो ये फर्स्ट टीपी आ जाएगा। आफ्टर दैट जो आपका सेकंड टीपी रहेगा दैट इज लेवल जो रहेगा उसका दिस एरिया, सो दैट इज द थर्ड सिबल सिनारियो। देखो सिनारियो तो मतलब सिनारियो तो बहुत बनते हैं, लेकिन कंफर्मेशन जो होते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद हमें अच्छे से मिलता है, तो इतना हम तो इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये कम से कम आएगा 140 पिप का हमें मतलब मिल जाएगा, $14 $14 की मूवमेंट हमें फॉर शॉर्ट बाइज, ठीक है। अगर मान लो मार्केट क्या करता है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ही गया, मतलब यहाँ से बाई गया और ऊपर ही गया, नो वरीज, ये एरिया है दैट इज ऑल्सो एरिया गुड फॉर सेल्स, वी कैन डू लाइक दिस। इसको हम पूरा ऐसे भी अगर किया जाए तो 2028 या मैक्सिमम कंसिडर दिस एरिया 2033, हाँ वी कैन टारगेट लाइक दिस ऑल्सो फॉर सेलिंग। 1990 का हम इजी कर सकते हैं, तो हमारा एक सेल मॉडल भी यहाँ अच्छे से बन सकता है, ये जो है लाइक दिस, तो ये कम से कम 100 pips का रिस्क, मतलब $10 का रिस्क और $40 का प्रॉफिट, तो ये 1:4 RR का हम एक इसको इंट्राडे ट्रेड हम पकड़ सकते हैं, दो दिन में ये टारगेट हिट हो जाएगा अगर ये सिचुएशन फॉलो होता है तो। बट स्टिल वी ऑन बेरिश साइड, तो हाँ देखो डाउन ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है, बट द थिंग इज दैट मार्केट ने ये क्या किया है, 4 घंटे में एक रिजेक्शन रिवर्सल दिया है लाइक दिस, तो ये बात। सो इसके लिए हम एक अगर मार्केट अगर ओपनिंग मार्केट का अगर बुलिश में होता है तो हम एक शॉर्ट बाय देख सकते हैं, तो वही हाँ तो वो इम्पोर्टेंट है कि मार्केट का ओपनिंग कैसे होता है वो चेक करना, ठीक है। सो हमने 3 पॉसिबिलिटीज देख ली है, और किसी को कोई और व्यूज है क्या मतलब गोल्ड के बारे में, कोई शेयर करना चाहता है? लेट मी लोअर एवरीवन्स हैंड्स
ठीक है, अभी अभी हाथ ऊपर कीजिए अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो गोल्ड के बारे में. ओके, वी विल डिस्कस ऑन इट हियर. ओके ना, हाँ बता. ओके मैं अनम्यूट कर. हाँ श्योर श्योर, यू कैन टॉक. हेलो. यस सर, आवाज आ रही है? यस 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 सर, मेरा एनालिसिस ये है कि जैसे अभी मार्केट ये 2011 ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इस एरिया को अगर देखा जाए तो 4H में यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है और काफी अच्छा रिजेक्शन भी दिया है सर ऊपर से. अगर ये 2011 को जैसे एक इम्पोर्टेंट जोन एरिया है, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मैक्सिमम सेल की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है. राइट, जैसे कि आपने मुझे अभी यहाँ पे हम लोग को बताया है आपने कि यहाँ पे सेल हो सकता है, पर यहाँ पे ये मैं एनालिसिस किया था तो ये पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आ रही. तो यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल मुझे मिल जाती है या अच्छा कोई इवनिंग स्टार या कोई बेरिश एंगल्फिंग या हैमर मिल जाता है तो काफी अच्छी सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है. राइट, यस सर. और फिर वहां से जो है तो 1980 का मेरा जो होगा सर यहाँ पे टारगेट हो. यस सर, मैं अभी एरिया को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर बाइंग की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रिजेक्शन है सर. आप देख सकते हैं 4H में अगर देखोगे तो वहां पे एक कैंडल ने काफी अच्छा रिजेक्शन दिया है जो चालू कैंडल के पहले वाली कैंडल में, जो स्पिनिंग टॉप जो बीच में बना है. यस सर, 2014 से जो 21 तक के रिजेक्शन दिया 22 तक, तो यहाँ पे वहाँ बायर्स का तो ज्यादा प्रेशर मुझे नजर नहीं आ रहा है, मार्केट सेलिंग में ही आया है. और अभी जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, तो ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मार्केट मतलब अगर इस एरिया से निकलेगा, 2001 से अगर निकलेगा यहाँ से, तो काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर आ सकता है. तो मेरा फर्स्ट एक प्रॉफिट होगा 1980, और देन उसके बाद में जो होगा सेकंड जो होगा तो 1953. ओके, सो मतलब आप भी सेल के लिए बैठे हो. यस सर, ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है. अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ, अगर ये 2012 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से मुझे ज्यादातर बाइंग की ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है. राइट, यस सर. चलो सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है शायद आपने. वेरी गुड. यस सर, थैंक यू सर. देखिए अगर ये जो एरिया हम देखेंगे, सी अगर हम, चलो इतना ही कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम ये एरिया ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें क्या क्या नजर आ रहा है. देखिए सी मार्केट ने क्या किया है, देखो बाइंग की पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है उसका एक ही रीजन हमें, मतलब एक रीजन दिख रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है अब तक. सी ये क्या है, एक मार्केट का प्रीवियस हाई, सही बात है. तो मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो जब कभी प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो थोड़ा सा बाइंग का जिसको जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल चेंज, शॉर्ट टर्म होता है ज्यादा उसका. सो वी कैन सी लाइक दिस, देन वी कैन गो टू द डाउन साइड अगर बुलिश में ओपनिंग होता है तो. बट ऑल ओवर वी आर ऑन बेरिश साइड. अगर ये बेरिश में हो जाएगा देन इट इज वेरी गुड थिंग. एक डाउनफॉल होने दो, एक छोटा रिजेक्शन रिट्रेसमेंट होने दो, देन वी कैन इजीली गो फॉर सेल. राइट, या जोन भी, ये देखिए ये जो एरिया है ये एक अच्छा सा जोन हम इसको बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस एरिया में मल्टीपल हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं. मतलब इस एरिया में देखो जो प्रेशर था वो कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंज हो गया, कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो गया. राइट, सो ये एक अच्छा एरिया है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर सेलिंग. और टारगेट हमारा जो कुछ भी रहेगा वो फिक्स रहेगा 1990. अगर 1990 ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली वी कैन 1950. हाँ, अगर ये जोन होल्ड करता है तो जैसे मैंने बताया, अगर ये जोन अगर होल्ड करता है, ये एरिया अगर होल्ड करता है तो वी आर गोइंग फॉर बाइज. तो वी आर गोइंग फॉर बाइज. अगर ये एरिया होल्ड करता है देन वी आर गोइंग टू द बाइज. फिर ये टारगेट मतलब आराम से ऊपर जाएगा, 2000 रहेगा वो 2035 का रहेगा जो हमने जोन बनाया है. और सेकंड हमारा टीपी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 2060-70 तक. देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द 2100. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑन गोल्ड.
चलो और कोई है जो अपना व्यू शेयर करना चाहता है गोल्ड के बारे में, तो हम मतलब अगले करेंसी के ऊपर स्विच करेंगे। नो क्वेश्चन प्लीज, फर्स्ट ही बता देता हूँ, नहीं तो आपके हैंड लोवर कीजिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन वी विल डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसरिंग। पहले हम गोल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके यस सोमी जी, यू कैन स्पीक। विशाल वाघमारे, वेट, यस यू कैन स्पीक। हेलो, यस यस बोलिए। यस सर, मेरा ये व्यू था कि अभी कैसे गोल्ड एकदम हाई पे, राइट, प्रीवियस जो अभी वन वीक टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो गोल्ड जो अपना प्रीवियस हाई है ना, वहां पे एक कंसोलिडेट टाइप कर रहा है या फिर पिन बार बना रहा है, राइट, और बहुत ही विक्स वाले कैंडलस्टिक बना रहा है, तो मे बी वो वहां से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये बेरिश साइड जाएगा, लेकिन मार्केट का कुछ तो कहना नहीं है, वो बुलिश साइड भी जा सकता है, लेकिन मेरा व्यू तो बेरिश साइड ही है सर। ओके ओके ओके, आपने कुछ एनालिसिस किया है इसके बारे में? हाँ यस सर, किया है। ओके, क्या क्या आपने, क्या क्या प्रोजेक्शन रखे हैं आपने, टारगेट्स? मैंने सर, एक मिनट सर बस। स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करना चाहोगे? नहीं सर, एक मिनट बस, एक मिनट। ओके सर, मैंने टारगेट तो ये रखा है अपना ट्रेंड लाइन, आप देखोगे ना तो आप राइट साइड पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है बियरिश, मतलब यहाँ से ये आपने ये देखा लाइक दिस ऐसे? हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, शायद यहाँ से बियरिश मूव ले सकता है सर एक बार फिर से टच करके। ओके ठीक है, मतलब यू आर सेइंग कि लाइक ऐसे, मतलब इस तरीके से? हाँ यस सर। ओके चलो, अगर ऊपर गया तो ये जोन है, ये कंसीडर करो, कंसीडर दिस एरिया। नो, देखो जब कभी भी ट्रेड लेना है ना, कि कंफर्मेशन, देखो आप कंफर्मेशन कौन से लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कितने कंफर्मेशन चाहिए? कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन होने चाहिए सर। राइट, सो मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे तो मुझे एक बात बताइए, ट्रेंड लाइन के बेस पे आप हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? ऑफिस यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक बना रहा है या फिर कुछ भी कैंडलस्टिक पिन बार वगैरह बना रहा है और कंफर्मेशन दे रहा है कि वो सेल साइड वाला है, तो मैं यहाँ पे जरूर लूंगा सर सेल साइड। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, जैसे मतलब कोई बेरिश का हमें एक पिन बार बनने दो, या मतलब बेरिश इंगल्फिंग हो, इवनिंग स्टार हो, या मतलब ऐसे कुछ हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है? उसके बाद ट्रेंड लाइन तो रहेगा, उसके बाद जोन, मतलब जो एरिया हम सिलेक्शन कर रहे हैं सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए, वहां कोई जोन बन रहा है क्या, वो भी हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसे अगर 2-3 हमें कंफर्मेशन मिलते हैं, then we can definitely look for sell and buy in a market. चलो बहुत बढ़िया विशाल जी। Okay, thank you sir. Yeah. So come on, हम switch करेंगे अभी next currency pair पे, तो ये डाल दो, कौन सा check करना है आपको? चलो नहीं तो randomly लेते हैं, चलो कोई भी, let's check GU. कौन सा
यूरो यूएसडी ठीक है। अगर यूरो यूएसडी के बारे में अगर बात किया जाए तो वी कैन सी, देखिए एक अच्छा सा एक जोन बन रहा था चैनल, सही बात है, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये जो एरिया हमें दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा डार्क में करूंगा, सीधी एरिया मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया, सही बात है, सीधी एरिया, तो ये क्या हो गया कंसोलिडेशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम एरिया भी बोलते हैं, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया और जोन करने के बाद, जोन में जाने के बाद इसने क्या किया, नीचे के साइड में ब्रेक कर दिया। तो देखिए जब प्राइस क्या करता है, मतलब कंसोलिडेशन स्टेट में नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो उसके बाद एक रिटेस्ट मिलता है, राइट, एज पर द मतलब एज पर द प्राइस एक्शन थिंग्स, उसके बाद हम क्या करते हैं मार्केट उसको द डाउन साइड। तो ये एक सिंपल हमें एक पिक्चर नजर आ रहा है यूरो यूएसडी में, और इफ वी सी दिस हमें एक अच्छे से यार ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी देखने को मिलता है, राइट। सो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट इज इन बेरिश ट्रेंड, मतलब यूएसडी है ये टोटली बेरिश ट्रेंड में है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सेलिंग के लिए लेवल चेक करना है, सही बात है। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे लेवल्स। तो देखिए फर्स्ट जो लेवल बन रहा है वो ये था, लेकिन तो प्राइस क्या किया है, प्राइस इस लेवल में फिलहाल आ चुका है, राइट, प्राइस इज इन आवर जोन। सेकंड कौन सा बनेगा, ये रहेगा दिस लेवल। सिंपली काम करो, सिंपली लो ये कंसिडर करो, लो कंसिडर करना लाइक दिस, एक ट्रेंड लाइन ले लो, लो कंसिडर करो, सी दिस इज द सेकंड, और थर्ड इज लाइक वी कैन कंसिडर दिस लेवल। तो ये हमारे तीन लेवल्स हो गए, या आप जोन भी बना सकते हो या लाइन भी ड्रॉ कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले डेली पे एक बार कैंडल चेक करेंगे, हाँ टोटली बेयर्स आर इन कंट्रोल, टोटली बेयरिश सिनेरियो। वीकली पे चेक, वाह वीकली पे क्या हुआ है, नाम क्या है इसका, हाँ यूएसडी सीएचएफ भी चेक करेंगे, नो वरीज। हाँ ऑडिकैड का एक अच्छा सा सेटअप है, और जी जी या श्योर, ठीक है। तो ये क्या है, एक अच्छा सा, देखिए यू कैन सी अ प्रॉपर इवनिंग स्टार, सही बात है, रिजेक्शन तो बहुत अच्छा मिला है, सो व्हाट इट मींस कि मार्केट अभी बेरिश में ही रहेगा, तो इसके चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, एक घंटे में अगर टाइम फ्रेम हमने स्विच कर लिया, लेट्स ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर, सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो मतलब यहाँ जोन जो है वो मार्कअप करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए वी कैन कंसिडर दिस एरिया, दिस एरिया इज अ वेरी गुड एरिया। अगर देखो यहाँ से अगर एक हमें ये मिलता है, मतलब रिट्रेसमेंट मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर सेल्स फ्रॉम दिस एरिया। और जैसे मैं मतलब ये करता हूँ, ये बोलता हूँ सी, ये क्या हो गया, एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन सी, तो ये एक अच्छा एरिया है एक रिट्रेसमेंट लेवल सेलिंग के लिए, तो ये हम टारगेट कर सकते हैं सेल के लिए यूरो टू द डाउन साइड। और दूसरा तो मतलब ठीक है, और ये रहेगा कम से कम 120-130 पिप के लिए आराम से हमारा फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, और सेकंड टीपी है वो कम से कम 195 पिप्स का, मतलब 100-200 पिप्स तो आराम से हमें इसमें मिल जाएंगे सेलिंग के लिए। सो डिक्सी भी चेक करेंगे एक बार, लेट मी शो यू कि डॉलर इज इन कंट्रोल, ओ वाव इट इज वेरी प्रिसाइज ओके ठीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग के लिए बहुत स्कोप है, मतलब और फॉलिंग आ सकता है। देखिए वी कैन सी ट्रेंड लाइन का अच्छे से एक ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद क्या होता है एक रिटेस्ट होता है, और रिटेस्ट होने के बाद वी शूट टू द अपसाइड, मतलब ये अगर एरिया कंसीडर किया जाए तो यहाँ तक तो गोल्ड मतलब डॉलर डिक से आराम से जाएगा 104 तक तो डिक से आराम से जाएगा। तो मतलब स्कोप बहुत है, और मतलब जो डॉलर पेयर्स है यूएसडी पेयर्स वो फॉलिंग के बहुत चांसेस है।
देखिए अभी इसमें एक सिनेरियो चाहिए, मैं अभी, अभी थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो रिट्रेसमेंट क्यों मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी ब्रेक हुआ है सही पे, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, एक बार नीचे आएगा थोड़ा और ऊपर जाएगा, सही बात है। तो इसके लिए भी अगर ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो हमारे करेंसी पेयर कैसे ये करेंगे, करेंसी पेयर हमारे कैसे मूवमेंट करेंगे, इसके अपोजिट मूवमेंट करते हैं करेंसी पेयर, वो क्या करेंगे एक बार ऊपर जाएंगे उसके बाद नीचे जाएंगे वो, तो ये अपोजिट होता है। चलो नेक्स्ट हम चेक करेंगे एयूडी यूएसडी ऑफ, ये तो पूरा कंसोलिडेशन में राइट, सी एयूडी यूएसडी ये पूरा कंसोलिडेशन ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेरिश रेक्टेंगल, सही बात है। सी बेरिश रेक्टेंगल भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज यू सी, ठीक है, कंसीडर दिस एरिया एज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या है देखिए, लोअर लो हाई, ये कंसोलिडेशन में गया, बेरिश बनाया, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट, उसके बाद लोअर हाई, सेम चीज कंटिन्यू। तो इस तरीके से इसका एक अच्छा सा मूवमेंट बन सकता है एयूडी यूएसडी का, सी दिस। सो हम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और इससे ये हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट इज इन टोटल बेरिश कंट्रोल। और इसके अगर लेवल ड्रॉ करने हैं तो लेट अस चेक, ठीक है, बेरिश का स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो इस लेवल पे एक है, सही बात है, और दूसरा जो है वो इसके ऊपर है, सी दिस एरिया आल्सो। तो इसको ये एरिया हम कंसीडर करेंगे अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ तो, ठीक है, मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट हो जाता है तो फॉर सेलिंग अगेन लाइक दिस, ठीक है, ये भी एक अच्छा लेवल बन रहा है, ठीक है, ये भी कंसीडर करना हमें इम्पोर्टेंट है। सी दिस टू एरियाज आर इम्पोर्टेंट, अगर प्राइस इसमें आता है देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स, ओके। सी दिस इज वन थिंग, और जो दूसरा सिनेरियो रहेगा दैट इज लाइक दिस, इफ प्राइस कम इनटू दिस एरिया देन वी कैन आल्सो गो फॉर सेल्स, सो दिस आर द टू एरियाज। लेकिन देखिए मार्केट, अभी मार्केट का भी ट्रेंड कौन सा चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है, तो हमें ट्रेड लेना नहीं है, वी आर ओनली गोइंग टू टेक अ सेल स्प्रेड ऑन 30 मिनट चार्ट। डिक्सी मतलब डॉलर इंडेक्स होता है ना, गोल्ड डिक्सी मतलब डॉलर इंडेक्स होता है। तो इस एरिया में अगर प्राइस आता है तो हम क्या करेंगे फिर से एक बार सेलिंग के लिए हम अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे। इसके प्राइस लेवल आपको बता देता हूँ, कंसीडर दिस एरिया और दिस एरिया, बिकॉज ये जो एरिया दिख रहा है हमें यहाँ सेलर, मतलब सेलर लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो आराम से। सी मल्टीपल देखिए रेड कैंडल चेक कर सकते हो, तो मतलब एक बेरिश फ्लो यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में है, तो मतलब कई सारे ऑर्डर्स भी पेंडिंग हो सकते हैं सेलिंग के। तो अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो वो क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट करेगा और फिर ये नीचे जाएगा, सही बात है, लाइक दिस। वन साइडेड तो नहीं जाता वो, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ही नीचे जाता है। इंडेक्स देखिए डिक्सी जो हम भी अभी चेक किया हमने डिक्सी, आप शायद ने आपने देखा नहीं होगा कि, लेकिन डिक्सी जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है, 104.400-105 तक आराम से खींच सकता है। सो मतलब इट मींस जो XXX यूएसडी पेयर है, मतलब डॉलर के जो पेयर है, वो अभी बेरिश सिनेरियो में ज्यादा है, अपोजिट होता है ना, अगर डिक्सी ऊपर जा रहा है तो मतलब डॉलर पेयर तो नीचे जाते हैं, तो ऐसा उसका रिलेशन होता है। USD JPY analysis इसका दिया था ग्रुप पे, see this analysis USD JPY का ऑलरेडी दिया था और बहुत अच्छा इसने रिएक्शन दिया है। टारगेट चेक करेंगे हम, वेट 1:3+ RR 160 pip का फर्स्ट टीपी था, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है,
जिन्होंने लिया कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, जिन्होंने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस मिस मत करो, नहीं तो फिर आपके हाथ से अच्छे सेटअप निकल जाएंगे. देखो डिक्सी तो स्ट्रॉन्ग होने वाला था, हमने चेक किया तो यूएसडी जेपीवाई में हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की. तो देखिए वी कैन कंसीडर या फॉर बाइज अगेन, तो ये हम एरिया बाई के लिए चेक कर सकते हैं, या दूसरा अगर एक मिनट थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे. ठीक है, अगर मान लो प्राइस अगर इस लेवल पे भी आ जाता है, आएगा तो नहीं लेकिन अगर इफ इफ आ जाता है तो. सो ठीक है, कंसीडर दिस टू लेवल्स, कंसीडर दिस टू लेवल्स फॉर बाय अगेन ऑन, मतलब इतना तो नीचे तो नहीं आएगा, वेल बेस्ट सिनेरियो लग रहा है. ठीक है, इफ प्राइस कम्स इनटू दिस एरिया, हम यहाँ अच्छे से यूएसडी जेपीवाई में और एक बाय ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा जो हमने लास्ट वीक में ही सेट किया वो है दिस प्राइस लेवल लगा देता हूं, ये हमारा टीपी का लेवल और ये हमारा एंट्री का, तो इसमें हम आराम से और एक एंट्री ले सकते हैं, वो हमारा टारगेट मिल जाएगा हमें कम से कम स्टॉप लॉस नीचे. स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 27 पिप्स का और टारगेट हम इसमें ले सकते हैं 176 आरआर का, हम इसमें टारगेट इजीली एक्वायर कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको. ठीक है चलो 35 तक ले लो, 35 तक कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब 1:4.5 आरआर, 176 पिप का टारगेट और 39 पिप्स का स्टॉप लॉस, या आप उसको छोटा भी कर सकते हो, स्पाइक वगैरह समटाइम्स मिल जाते हैं ना तो इसलिए बड़ा रखा है, नहीं तो आप कर सकते हो 20-25 पिप्स का, 25 पिप का वगैरह तो कम से कम रखिए, लेकिन बिकॉज टारगेट बहुत बड़ा है. तो ये हम एंट्री मॉड्यूल हम देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई. ठीक है, जब प्राइस इस जोन में आ जाएगा ना, ये जोन में, तब हमें कंफर्मेशन चेक करना है, कंफर्मेशन हमसे हमें कम से कम, देखो जोन तो हमारा बन रहा है लेकिन हमें और कंफर्मेशन चाहिए, अगर कंफर्मेशन हमें अच्छे मिलते हैं तो हम इसमें डेफिनेटली बाई के लिए जा सकते हैं. उसके बाद हाँ गोल्ड का ठीक है, लास्ट में ओवरव्यू फिर से बताऊंगा, नो प्रॉब्लम. और दूसरे AUD CAD, लेट मी चेक, जी जी चेक करेंगे, जी जी भाई ओके. हाँ ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ओके सी दिस एरिया, इसमें हमें एक अच्छा सा जोन देखने को मिल रहा है. ओके हम इस जोन को कंसिडर करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए. ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम इस जोन को मतलब ये करेंगे. उसके बाद कोई ट्रेंड लाइन आती है क्या, लेट मी चेक. तो ट्रेंड लाइन भी हमें एक अच्छे से लग रही है. देखिए ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट शूट टू द अपसाइड. तो देखिए ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सा रिटेस्ट भी हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये कंफर्मेशन हो गया. उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास क्या है, ये हमारा एक डिमांड जोन बन गया है, सही बात है. तीसरा कंफर्मेशन क्या है हमारे पास, देखिए मार्केट ने जो पूरा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट का, एज यू कैन सी, मतलब लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया था, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो पोर्शन है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, वो मार्केट पूरा कवर कर लिया है. तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट शूट टू द अपसाइड,
ये सिचुएशन, ये सिनेरियो बनता है. तो हमारे पास तीन कंफर्मेशन है, सो दैट्स व्हाई ये जोन बाइंग के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, बाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन बन सकता है ये. जब प्राइस इस जोन में टैपर करेगा, टैप करने दो. देखिए ये जो लो अभी फिलहाल लेटर, ठीक है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके चेक करेंगे, ये जो लो बनाया है ना मार्केट ने, दिस लो, इसको और यू कैन मेक लाइक दिस, इसको मार्क करो, इसको एक बार ब्रेक होने दो नीचे. ठीक है, उसके बाद इस एरिया से कंफर्मेशन ले लो अच्छे से, देन वी कैन गो फॉर बाय. जो हमारा एसएल और टारगेट हम कंसीडर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो इसका बन रहा है 25 पिप्स का, और मतलब 25 पिप्स का मैक्सिमम बन रहा है, और हम टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं दिस लेवल इजीली, मतलब इसके ऊपर. तो ये 1:5 का हमें रेशो मिल रहा है आराम से. ठीक है, ये जो हमारा एरिया था, ये हमारा प्रीवियस हाई था, सही बात है, प्रीवियस हाई था. तो मार्केट अभी क्या करेगा, जो सबसे मतलब हाई था वो हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा. सो वी कैन इजीली टारगेट दिस एरिया. एरिया का प्राइस लेवल बता देता हूँ, ठीक है, कंसिडर दिस एरिया और दिस एरिया फॉर टीपीज. ठीक है, वी कैन इजीली टारगेट दिस एरिया और एंट्री के ये जोन का टैग और एंट्री का यू कैन से लाइक दिस. तो इसके बीच में हमें एंट्री लेना है ये दोनों टैग लाइन के. एक ये सिनेरियो बनने दो, लो ब्रेक होने दो, उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिलता है क्या. मैंने ऐसा ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि देखिए लेफ्ट वाला दिस वन मूवमेंट इज नोन एज, आई विल ब्रश इट, ठीक है, दिस मूवमेंट इज वैलिडेशन और ये होता है कंफर्मेशन. तो लेफ्ट वाला जो हो गया वो वैलिडेशन हो गया, और राइट वाला जो हो गया वो कंफर्मेशन हो गया. मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जीबीपी जेपीवाई. फास्ट मूविंग पेयर्स अगर आपको ये करना है तो मतलब जेपीवाई पेयर्स बहुत मतलब फास्ट मूवमेंट करते हैं. एक एक दिन में कम से कम वो मतलब 300 पिप्स का भी मूवमेंट दे सकते हैं. 200 पिप्स का तो होता ही उनका, 1500 तो होता है रेगुलरली, 1200 का उनका तो मतलब डेली का मूवमेंट होता है. लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 300 पिप तक भी जा सकता है, नहीं तो रेगुलरली मतलब 100-150 पिप्स उनका चलता रहता है. न्यूज आती है ना तब वो कम से कम 2500-2600 मतलब 250-260 पिप्स तक आराम से जा सकता है, मतलब जाता है जेपीवाई. जीबीपी जेपीवाई बोल रहे थे ना, वेट. ओके, जीबीपी जेपीवाई नया चार्ट लेता हूँ, वेट. ओके यू वांट टू स्पीक समथिंग, ठीक है, हाँ बता सकते हो, बोलिए. सर आई वांट, सर मुझे ना जेबीपी का थोड़ा एनालिसिस चाहिए. ओके श्योर नो प्रॉब्लम. या वही देख रहे हैं हम जेबीपी. तो समवन सेड जीबीपी, ठीक है देख लेंगे जी. यू भी तो देखिए जीबीपी जेपीवाई है ये. देखिए फिलहाल तो ये जो एरिया जीजे का लग रहा है, देखिए फिलहाल अगर हमने देखा जाए तो प्राइस ने क्या किया है, एक अच्छे तरह से सपोर्ट से रिटेस्ट किया है. ठीक है, सो एज पर दिस रिजेक्शन तो मिला है, लेकिन अभी कल का ओपनिंग क्या होता है वो देखना हमें इम्पोर्टेंट है. अगर कल का ओपनिंग ग्रीन में होता है तो डेफिनेटली बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. चलो वीकली भी एक बार चेक करके देखते हैं. और ओके, वीकली में तो दो रेड कैंडल से, लेकिन सेकंड वाले में भी रिजेक्शन मिला है और फर्स्ट वाले में भी रिजेक्शन मिला है.
सो व्हाट इट मींस, जितना बाइंग का जो पावर है उतना सेलिंग का पावर मार्केट में नहीं है, मतलब बायर्स आर इन कंट्रोल। और ये सिचुएशन तो वीकली में वो दिखा, और डेली में क्या दिख रहा है कि जो हमने जोन बनाया है जोन से एक ग्रीन कैंडल, मतलब रिवर्सल के चांसेस हमें, या सॉरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन चांसेस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस हमें बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, तो हमें कल का ओपनिंग क्या होता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे इसको। ओके तो सी, कोई पैटर्न बन रहा है क्या वो चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सी गाइज, यहां अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन एक परफेक्टली टचअप हो रहा है। सी ये जो है दैट इज द फर्स्ट एरिया, उसके बाद दिस इज द सेकंड, और तीसरा भी हमें देखने को मिल रहा है आगे। सो देखिए, रिजेक्शन तो बहुत अच्छे है, तो सेलिंग के चांस है। देखिए वीकली में भी हमें रिजेक्शन मिला, डेली में भी रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, और अभी हमें स्मॉलर टाइम ओपन किया है हमने, तो हमें यहाँ भी एक ऐसे टचेस मिल रहे हैं। तो व्हाट इट मींस, ये क्लियरली हमें बता रहा है कि मार्केट अभी बुलिश में जाने के चांसेस है। सही बात है। तो अगर चलो और दूसरे एंगल चेक करेंगे इसके, चलो ये एक ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगा। सी ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाएगा। If market ये एरिया को एक ब्रेक करता है, then we can go for shorts. ये सिचुएशन बनता है तो वी कैन गो फॉर सेल्स, जो हम उसके लिए हमारा टारगेट रहेगा दैट इज लाइक दिस एरिया, ये हम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं फॉर द, चलो दोस्त मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया, लेकिन ये वैलिड बहुत लग रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि देखिए मतलब ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहा है और परफेक्ट रिजेक्शन भी यहाँ मिल रहा है, तो मतलब सेलिंग की तो गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, चलो ये देखिए जीजे जो बोल रहे थे, ये एक सिनेरियो कंसिडर करो। ठीक है, और यहाँ से एक काम करेंगे लाइक दिस एरिया। ठीक है, ये एक सिनेरियो कंसीडर करो, अभी मैं दूसरा सिनेरियो हम चेक करेंगे अलग एंगल से। ठीक है, चलो दूसरा एंगल देखेंगे अभी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस थिंग? ओके, सो हम क्या करेंगे, एक घंटे के चार्ट ओपन करेगी एक घंटे का, उसके बाद सी कंसीडर दिस एरिया। ठीक है, तो price, when price will come into this area, we can look for buys. ठीक है, ये buying का जो scenario, जैसे हमने देखा कि एक trend line भी अच्छे से workout कर रहा है, trend line भी ऐसे, तो ये एक buying का scenario हम consider कर सकते हैं। चलो selling का इसमें कुछ लग रहा है क्या, वो हम check करेंगे। Wait, सबसे पहले JPY basket, because हम check कर रहे हैं JPY pair, तो basket check करना बहुत जरूरी होता है, जैसे dollar का index check करते हैं, तो JPY बास्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, यह क्लियरली पता चल रहा है कि JPY बास्केट है वो बहुत वीकन है, वीक हो चुका है वो, बहुत वीक हो चुका है वो, तो सेलिंग मतलब JPY इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेट, ये सप्लाई जोन अभी तक इंटैक्ट है, टूटा नहीं ये सप्लाई जोन। चलो यहाँ तक सीमित है, यहाँ दूसरा सप्लाई बनेगा जो प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया है, सी लाइक दिस, और फ्लो अगर देखा जाए तो फ्लो बेरिश लग रहा है। ठीक है, तो मार्केट इज इन करंटली, JPY बास्केट इज इन सेलिंग साइड, वीकन है। अगर यहाँ कुछ रिजेक्शन मिल जाता है, मान लो अगर यहाँ के, चलो वेट, प्राइस अगर प्राइस ट्रेंड लाइन पे आएगा और यहाँ रिजेक्शन देख के, अगर इसने ये जो लोअर हाई दिख रहे हैं, मतलब दिस एरिया
और दिस एरिया, अगर ये लोअर हाई ब्रेक हो गए तो फिर जीबीपी जेपीवाई में फॉलिंग आ सकता है, मतलब नॉट ओनली जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, यूरो जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई, इन पांचों जेपीवाई पेयर्स में हमें फॉलिंग मिल सकता है अगर जेपीवाई इंडेक्स या जो अपना बास्केट है जेपीवाई ये अगर इस तरीके से ये जो ड्रॉ किया है इस तरीके फॉलो करता है तो उनका फॉलिंग हमें अच्छे से मिल सकता है, वरना मतलब फॉलिंग की तो गुंजाइश नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन बाय साइड। ठीक है, हम यहाँ पे थे और ठीक है हाँ, मतलब सेलिंग के तो मतलब नहीं हो, मतलब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज द परफेक्ट वन, सो वी विल स्टिक विद दिस ओनली, इस पे हम स्टिक करेंगे। ओके, ये एक सिनेरियो बन सकता है, सी गाइज चेक दिस वन, अगर मान लो प्राइस सेलिंग का जो ये एरिया सेलिंग का अच्छा दिख रहा है, अगर इस एरिया को रिएक्ट करता है देन वी कैन लुक फॉर सेल्स, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा लाइक दिस एरिया जो है कम से कम 200 पिप्स का, जैसे हमने कैलकुलेशन किया था, ये तो 200 पिप्स के लिए हम मतलब मोमेंट एक आराम से पकड़ सकते हैं। लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम अबाव, हाँ चलो वन टच, मतलब देखिए फर्स्ट वन टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, और यहां हमें मिल जाएगा फोर्थ वन, सो उसके बाद मार्केट कैन शूट टू द अपसाइड, तो मतलब ये पॉसिबल सिनेरियो अच्छा लग रहा है गोल्ड का, सॉरी अपना जीबीपी जेपीवाई का, तो ठीक है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो अभी एक काम करेंगे, एक 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, किसी को क्वेश्चन से एक एक करके हाथ ऊपर कीजिए, उसके बाद हम फिर से एक दो चार्ट करके सेशन क्लियर अप कर देंगे। क्वेश्चन पूछो लेकिन अच्छे पूछो, नरुल जी यस वी आर आपने चेक नहीं किया क्या, चेक करिए आप, मतलब चेक कीजिए, आपको मतलब ये पता मतलब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पिक्चर, वी आर सर अकाउंट साइज $500 हाँ उतना होल्ड करना ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपको होल्डिंग करना है ना तो मतलब आपका अकाउंट साइज तो आपको डेफिनेटली बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज देखो जब होल्डिंग चल पकड़ के मतलब होल्डिंग करके आपको स्विंग करके आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको एक फ्री हैंड मिलना चाहिए, फ्री हैंड मतलब क्या होता है कि इक्विटी आपका बड़ा होना चाहिए, तो आप मतलब आराम से उसमें होल्डिंग भी कर सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो, तो $500 का अगर अकाउंट साइज है आपको और आपको ये होल्डिंग करना है तो फिर आपका 0.01 से लॉट चाहिए, मतलब ज्यादा आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर आई विल सजेस्ट यू ये 5000 तक तो रखिए कम से कम, तो मतलब प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आराम से आप होल्डिंग कर सकते हो 200-300-500 पिप्स के लिए, डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड फाइनली लॉट साइज, सो 1000-2000 तो रखिए। जीबीपी यूएसडी का तो चेक किया ना, ठीक है चेक देखेंगे, वो रेगुलेटेड बैंक होते हैं ना उन्होंने रेगुलेटेड किया, ना वी कांट, ठीक है लेट मी चेक सम क्वेश्चंस, बड़े टाइम फ्रेम देखो एनालिसिस और जोन आप मतलब एनालिसिस और जो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस या चाहे वो सप्लाई हो डिमांड हो, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप यूटिलाइजेशन करते हो तो उतना उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और ट्रेंड लाइन मतलब देखिए बड़े स्ट्रक्चर में 4 घंटे में 1 घंटे में आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे 4 घंटे के हिसाब से आप तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, सही बात है, आपको उसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम चाहिए, तो 15 मिनट या 30 मिनट में आप ट्रेंड लाइन ले सकते हो, छोटा चार्ट पैटर्न दे सकते हो और आराम से एंट्री ले सकते हो,
हाँ राइट राइट, जेपीवाई बास्केट सेम है, डिक्स जैसा ही है वो। लास्ट में चेक करेंगे वो। स्काल्पिंग के लिए सेम होता है, मतलब सेम होता है, किसी भी टाइम फ्रेम में यूटिलाइजेशन कीजिए उसका, मतलब वर्कआउट तो करता ही करता है वो। देखिए इंट्राडे करना है आपको, और मतलब ये लगाना है अकाउंट सफिशियंट रहेगा। देखिए आपको अगर इंट्राडे करना है, लेकिन उसके पहले आपका डेली का टारगेट कितना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली के कितने डॉलर आप टारगेट रखते हो आपके आपके दिमाग में, अगर आप ज्यादा परसेंटेज रखते हो तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी बताया फ्री हैंड के लिए आपको अकाउंट साइज बड़ा ही चाहिए। 1,000-500,000 तो रखिए, मतलब आराम से उसमें 50 तो आप आराम से निकाल सकते हो, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस ना, वो भी मैटर करता है। तो जैसे हमने देखा अभी की सिचुएशन है, तो ये क्या किया था हमने, इसका एनालिसिस दिया था, ग्रुप पे शेयर किया था। अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो एज यू सी, ठीक है, ये ट्रेड हमने दिया था 10 मई को और टारगेट हिट हो चुका है 11 मई को, सो 2 दिन में कितना टारगेट बन गया, 300 पिप का। तो ऐसे होता है ना, तो समटाइम्स आपको एक बड़ा ये भी मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल सकता है। चलो लेट्स स्विच टू द, ठीक है, यस यू कैन स्पीक। अनम्यूट किया है आपको, आप बात कर सकते हैं। हेलो, यस बताइए, बोलिए। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन था कि हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया और लिक्विडिटी एरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो हम मतलब उसका तो अभी मैं वो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज जब हम हमारा एडवांस सेशन है वो चालू कर देंगे तो उसमें आपका उसका सारा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। डॉक्टर साहब बोलिए। सर हेलो, यस 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 बोलिए सर। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस फिबोनाची? सर विच BOS फिबोनाची रिट्रेसमेंट? नाइट, आई डिडंट गेट यू सर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यू नो? Fibonacci, okay, fib retracement, okay. What is your opinion, sir? आप यूज करते हो fib? Yeah, regular target पे मिलते हैं। तो आप कितना, मतलब आपने क्या, मतलब कौन से लेवल्स पकड़े हैं उसमें? Previous day higher low. Yes yes, but आपने लेवल जो है लेवल कौन से मार्कअप किए हैं आपके retracement में? 712.618, 1.27 तो अचीव होता ही है, 1.6 उससे रिजल्ट मतलब अच्छे आते हैं, मतलब यूज कीजिए, मतलब अच्छी बात है वो, अच्छा टूल है वो। यस यस, इंट्राडे मतलब इंट्राडे में बहुत काम की चीज है वो। Yes, yes, exactly. Actually, which any time frame if you select, ma, because higher low. Yes, right. 1 hour, if you are going to 1 hour, then previous higher high and higher low. Right. Connecting the wicks also, not only the candle. Right. Higher high and higher low. And if you draw it, you will get the results 100%. Right. We also have some strategies on retracement. We are going to reveal it on the 9th of June. And
our thinking on it or our levels are totally different from it. और मतलब वो कैसे वर्कआउट होता है अलग अलग करेंसी पेयर्स पे वो भी मैटर करता है. तो वी आर गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू सर, इवन यूएस 100 आल्सो, यूएस इवन यूएस 100 आल्सो, यूएस 30, एवरीवेयर इट वर्क्स. मतलब आई पर्सनली बिलीव दैट वो करेंसी से इंडाइसेस में और इंडाइसेस में बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, टॉप टू नॉच. करेंसी पे भी वर्क करता है, यस. हायर हायर लो ऑफ 1 आवर, 2 hour, 4 hour, 15 minutes, whatever you consider. Okay. अच्छी बात है, अच्छी बात है, nice thing. चलो और कोई, the last one, volunteer. ट्रैप ट्रेडिंग वर्क करती है या नहीं, मतलब है, मतलब वो उसके कुछ टाइप्स है लेकिन वो हम कभी मतलब और मतलब बाद में डिस्कशन करेंगे. राइट राइट, नहीं सचिन जी ऐसे नहीं होता, मतलब ना 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 ना, बिकॉज आई एम मतलब वी आर पर्सनली यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट थ्री इयर्स एंड इट्स नॉट लाइक वेस्टर्न. देखो वेस्टर्न में तो मतलब वही यूटिलाइजेशन होता है ना, यू कैन से 80% वही यूज होता है. So, उसके बहुत अच्छे आते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर ये कीजिए तब सर. न्यूज में करते हो और अपोजिट साइड न्यूज इंपैक्ट, एक ही चीज करो, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो. मतलब देखिए एंड ऑफ द रिजल्ट हमें चाहिए कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, भले प्रॉफिट कम आ जाने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही बात है, लेकिन लॉस में नहीं जाना चाहिए. सो वो हमारा एक होल एंड सोल इंटेंशन है. तो मतलब उसके लिए एक ही चीज करो, ब्रेक इवन लगाओ और छोड़ दो. ठीक है, नेक्स्ट वन, हु इज देयर? ठीक है, हाँ यू कैन स्पीक नाउ. सो पे मतलब $2, अकाउंट साइज बड़ा रखोगे तो बड़ा मिल जाएगा ना, सिंपल चीज. वीक इसका ये डॉलर इंडेक्स, ठीक है, मैंने अभी किया था ना. हाँ अनम्यूट किया है आपको मधुसूदन जी, यू कैन स्पीक. सर नमस्कार. नमस्ते बोलिए ना. आपने जो जैसे मैं कर रहा था ट्रेड लाइन का, तो कई बार होता है सर जैसे विक टू विक भी हो जाता है कनेक्ट, कई बार बॉडी भी कनेक्ट हो रही है. तो चलता है क्या सर विक टू विक, और कुछ कई बार बॉडी भी कनेक्ट होती है तो दोनों? देखिए इसका मैं बता देता हूं, एग्जांपल सर एक देना सर आप बताना जल्दी. ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? इसको हम कंसीडर करेंगे बॉडी, सही बात है जी सर. इसको हम क्या बोलेंगे, मुझे इसका नामकरण आप करा दो. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? विक. ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? एक एक बुलिश कैंडल हो गई, सही बात है जी जी सर. तो मुझे एक बात बताइए, बुलिश कैंडल में ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाई वीक. इसको हम बोलेंगे लो वीक, सही बात है? लो वीक, हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ तो अभी मुझे बताइए बुलिश कैंडल का ओपनिंग कहाँ से होता है? ओपनिंग ओपनिंग कहाँ होता है, मतलब कहाँ से होता है बुलिश कैंडल का? सर ये नीचे जो विक बनी है यहाँ, ये विक के पास, हाँ जी जी, ये ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग सर. ठीक है, ऊपर क्लोजिंग होता है, ऊपर क्लोजिंग, हाँ जी. तो ये हो गया ओपनिंग, मतलब प्राइस क्या किया, प्राइस ने क्या किया, ऊपर पुश किया. ओके, बाद में सेलर ने क्या किया, सेलर ने यहां तक आ गए और सेलर लुक खत्म हो गए जी सर. तो यहाँ क्लोजिंग हो गया, इस लेवल पे क्लोजिंग हो गया, सही बात है जी सर. जी जी सर. तो सेलर लोग किस लेवल से आना चालू हो गया, सेलर लोगों का इस एरिया से, इस एरिया से, जी जी सर, जी सर.
तो अभी मुझे बताइए पावर स्ट्रॉन्ग किधर है, वीक में है या बॉडी में? सर बॉडी में। देखो पावर तो बॉडी में होता है, सही बात है, ज्यादा। देखिए तो ये जो एरिया है, मतलब कौन सा, दिस एरिया, इतना जो एरिया पूरा बुलिश है, पूरा बुलिश है, सही बात है, मतलब यहाँ बायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, सेलर लोग से, सेलर लोग कहाँ से आना चालू हो गया, इस एरिया से। जी सर। हाँ तो आप जब बॉडी टू बॉडी कंसीडर करते हो ना, तो आपको प्रिसीजन, मतलब जो एक्यूरेसी है ना, मतलब जैसे हम ट्रेड ट्रेड लेते टाइम एक एक्यूरेसी होती है ना कि बाबा यहाँ से हमने बाय लिया तो फिक्स जाएगा। जी सर। मार्केट का देखने का नजरिया ठीक वो है। होता है ना, वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए। जी सर। और जब वीक से लेते हैं ना हम, तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स फेक आउट बहुत मिलते हैं वीक से। जी सर। हाँ मतलब समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्डर वहाँ जो पेंडिंग होती है, जो वीक 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 का जो एरिया होता है वहाँ समटाइम्स कुछ ऑर्डर पेंडिंग होती है, बाय लिमिट होती है, सेल लिमिट होती है, बाय स्टॉप होता है, सेल स्टॉप होता है, तो वो जो एरिया होता है ना वीक्स वाला, तो वो थोड़ा सा ट्रैप वाला एरिया होता है। ठीक है सर। हाँ और दूसरी जो चीज इम्पोर्टेंट। जी सर बताइए बताइए बताइए। नहीं यही सर, इसी में एक बार रेड कैंडल और बना के बताना सर इसमें कि थोड़ा सा कुछ, जैसे ये तो बुलिश बन गई, इसमें अगर बियरिश बने तो सर सेम चीज, देखो इसका कलर चेंज कर दो तो फिर दे कर देता हूं रेड कैंडल बन गया। चलो सेम चीज होती है तो इसमें देखिए यहां से, अभी इसमें क्या हो गया, मार्केट ओपनिंग का होता है, मार्केट ऊपर से होता है, सही बात है, ऊपर से। जी जी सर। हां जी ऐसे ओपनिंग हो गया जी। इसका क्लोजिंग का होता है, ये नीचे होता है, नीचे क्लोजिंग हाई नीचे करती है। हाँ, तो इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में थोड़े बायर लोग ज्यादा है। ठीक है सर। क्योंकि उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा पुश कर दिया, और ये जो एरिया है पूरा बॉडी का, ये तो मतलब यहाँ तो सेलर लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आप सिंपल एक चीज बताऊंगा आपको, अगर जब ड्रॉ करना है ना आपको, देख आप जब कंफ्यूज हो जाओगे ना ऐसे, मतलब सिचुएशन आती है, तो आप क्या कीजिए, पैरेलल चैनल होता है, पैरेलल चैनल लीजिए। जी जी सर। तो पैरेलल चैनल का इस्तेमाल करके आप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, मतलब वीक भी आ जाएंगे। ठीक है सर। ले आ जाइए, आ जाए, आ गया ये। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकता हो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि वीक का भी एरिया होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे नहीं ये खाली बॉडी ही इम्पोर्टेंट होती है, बॉडी का भी इम्पोर्टेंट होती है। व्हेन यू आर मतलब कैंडल स्टिक बेस पैटर्न पे जब आप ट्रेड करोगे तब वो इम्पोर्टेंट है बॉडी, अदरवाइज वीक इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो जब कंफ्यूजन हो जाएगा आप पैरेलल चैनल का इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हो। जी जी सर। थैंक यू सर। चलो वेर वेर भी चलो एक दो ये कर देखेंगे। सीएचएफ तो मतलब सीएचएफ इज यूएसडी, सीएचएफ का तो बाय हमने बोला था, यहाँ से बाय लिया था, मतलब बताया था ऑलरेडी, वो कम से कम 112 पे ऑलरेडी रनिंग है, मतलब बाइंग के लिए। सॉरी सो एज वी सी प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ऑलरेडी प्रीवियस हाई है, मतलब दिस एरिया सी प्रीवियस हाई तो ब्रेक किया है, तो बाइंग के लिए अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वी कैन लुक फॉर दिस एरिया फॉर बाइज अगेन ऑन यूएसडी सीएचएफ लाइक दिस। तो ये हम सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, टारगेट जो रहेगा हम यहाँ तक आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर यू कैन सी, देखो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यह एक ट्रेंड लाइन। चलो इसको रिमूव करेंगे, लेट्स मेक इट सिंपल एंड क्लियर। सो अगर यहाँ देखा जाए तो एज वी कैन सी टोटल ये कौन सा पैटर्न बना है, इफ रेट इज देन वी आर गोइंग टू द अपसाइड। 700-800 पिप्स का टारगेट है, मतलब टोटली बताया था पिछले, मतलब पिछला नहीं उसके पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था यूएसडी सीएचएफ के बारे में आई गेस, तो हमने उस टाइम ही बताया था। और एज यू कैन सी जब डिस्कशन किया था उसके बाद से यूएसडी सीएचएफ का मूवमेंट हो चुका है कम से कम 150 पिप का, राइट।
तो फर्स्ट हमारा जो टीपी है, जिनके बाय अगर चालू है तो आप होल्ड कर सकते हो, तो टीपी हम कंसीडर करेंगे दिस एरिया। देखिए ये जो एरिया है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और हम इसको डिसीजनल एरिया बोल सकते हैं। अगर इस एरिया से प्राइस ब्रेकआउट होता है तो हम जाएंगे बाय साइड के लिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। तो इतना डाउन जाएंगे कि ये जोन पे जाएंगे डायरेक्टली हम। सी सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑन यूएसडी सीएच। तो ये जो एरिया है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है दो लाइन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेवल लगा देता हूँ एक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो वी कैन गो टू द अपसाइड, अदरवाइज फिर बहुत डिफिकल्ट है। यस, और कौन सा पेयर बोला था, लेट मी चेक। ठीक है, दो मिनट आपको वो भी बताता हूँ। लेट मी टेल यू, आपको ये करना है क्या? ठीक है, सचिन जी, यस यस वी कैन डेफिनेटली। नहीं मैं फिर, हाँ इंट्राडे में अच्छा वर्कआउट होता है वो। अनुप जी कैसे बात है ना कि हम तो मतलब कैसे होता है कि हम रोज उठ के तो स्कैल्पिंग में ट्रेड नहीं कर सकते, पहली बात डिपेंड अपॉन द ट्रेडर्स टाइम, और दूसरी चीज हम रोटेशनल वाइज करते हैं, हमारे स्कैल्पिंग भी एक्टिव होते हैं, हमारे इंट्राडे भी होते हैं और हमारे स्विंग भी होते हैं। सो एट द सेम टाइम वी डू ट्रेड ऑन एवरीथिंग। ऐसे नहीं होता कि एवरीडे हमें मोबाइल ओपन करके हमें ट्रेड लगाना है और प्रॉफिट करना है और स्कैल्पिंग करना है, इट्स नॉट नेसेसरी। जब सेटअप अच्छा मिलता है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब करके जरूरत क्या है। नहीं ऐसे नहीं होता ना कि मतलब मोबाइल ओपन किया, MT4 MT5 ओपन किया और ट्रेड लगा के मार्केट में 10-10 घंटे उसको वॉच किया, ऐसे नहीं होता ना। जब सेटअप अच्छा मिलता है तभी ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड लगाने के बाद आपको मोबाइल को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे जब होता है देन यू आर लाइक यू कैन से यू आर अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग का चाहिए था ना, तो यू कैन कंसीडर दिस एरिया फॉर स्कैल्पिंग ऑल्सो, सी दिस ट्रेंड लाइन। अगर स्कैल्पिंग का आपको ट्रेड करना है तो कंसिडर। ठीक है, ले सकते हो आप, यू कैन टारगेट दिस। और ये जो बताता हो आप ग्रुप पे भी चेक कर सकते हो, ये कम से कम एक दो दिन में ही हिट हो जाते हैं, ये कोई स्विंग के ट्रेड नहीं है, स्विंग के ट्रेड ये नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्राडे एंड वी डू टेक अ लाइव ट्रेड आल्सो इन आवर वेनसडे सेशन समटाइम, अगर न्यूज पढ़ती है तो। मेनी पीपल हैव विटनेस दैट, सो डिपेंड अपॉन द टाइम फ्रेम, डिपेंड अपॉन द सेशन टाइमिंग एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन वाइज। अगर नहीं मिलता सेटअप तो हम मतलब लेने की जरूरत ही क्या है। लेट मी चेक, CHF JPY ना, CHF JPY का मूवमेंट स्लो है मतलब। देखिए जैसे JPY में हमने डिस्कशन किया था, मतलब JPY इज बुलिश, मतलब बास्केट थोड़ा सा वीकन है, बहुत वीकन है, इसमें एक एंट्री टाइप मिल सकता है हमें। लेट्स सी, 15 मिनट में स्विच करेंगे। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस एरिया, ये एरिया हम कंसीडर करेंगे फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेट्स से अगर प्राइस इस एरिया पे आती है तभी हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, वेट अदर ऑप्शन चेक करेंगे। इंबैलेंस में फुल स्विच, प्राइस टैप, इंडोसमेंट का, ठीक है। यस दिस इज वी कैन टेक दिस ट्रेड। टेक दिस स्कैल्पिंग ट्रेड इफ यू वांट, हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि प्राइस को इस जोन में आना चाहिए। अगर इस जोन में प्राइस नहीं आता तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टिक टू द प्लान,
अगर आता है तभी हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लीव इट। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं और यू कैन टेक दिस होल एक्सट्रीम डिमांड हम जिसको बोलेंगे, सेंटर में रखो, देखिए हाँ वी कैन लाइक दिस। फॉर द रिस्क ऑफ 20 पिप्स वी कैन टारगेट 95 पिप्स, सो वन एज टू 5 RR, ज्यादा नहीं है, 90 पिप्स का एक दिन में कवर हो जाता है। यूरो CHF हाँ बताइए सागर जी, आप ये करिए ना, टाइप कीजिए ना, कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपको ये करना है क्या? वेट, यूरो JPY नहीं, मतलब JPY का मतलब सारे JPY स्ट्रॉन्ग में है, मतलब कोई भी देख लो। देखिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दो एरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके यू कैन, ठीक है बताइए बोलिए। दीज आर द टू लेवल्स इंपॉर्टेंट है फॉर सेलिंग, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा बिकॉज जोन नीचे ही रहेगा कहीं तो। लेट मी चेक, ये सागर जी बोलिए बताइए, यू कैन स्पीक। हेलो सर। यस यस बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन जो मार्केट ओपन होता है डेली टाइम फ्रेम में, तो ट्रेड लाइन जो डालते हैं अपन सपोर्ट और रेस्ट कर दें। हाँ तो 1 hour में ज्यादा इम्पोर्टेंट होना कि 15 मिनट में ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ट्रेड लाइन डालने मेन एरिया? देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना उतना ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है। अगर 1 घंटे में अगर हैमर मिल गया है आपको, 15 मिनट में हैमर मिल गया है, ठीक है, तो 15 मिनट का जब हैमर बनता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं होता है, और जब 1 घंटे का हैमर आपको मिलता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज्यादा टाइम होता है। सो हायर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज बेटर, लेकिन एंट्री लेने के लिए हमें, देखो मान लो 1 घंटे में आपको कुछ अच्छा बुलिश एकदम स्ट्रॉन्ग ये मिला, सिग्नल मिला या कंफर्मेशन मिला, अच्छा। तो वो मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, जैसे कि हो गया 15 मिनट या 5 मिनट, तो वो हम क्यों जाएंगे, एंट्री लेने के लिए, सही बात है, अच्छा एंट्री के लिए। तो जैसे देखिए ये देखिए सेम चीज, देखिए मैंने सामने किया है, चलो आपके सामने ही करूं। सी वी कैन कंसीडर दिस एरिया, ये क्या बन गया अभी, पहले क्या था, पहले ये था सपोर्ट, ठीक है, एज यू सी बाद में मिल गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बनता है। हाँ ये 2 hour में सर है ना, 2 hour टाइम में, देखिए 15 मिनट में भी 15 मिनट में बन रहा है, लेकिन 15 मिनट में क्या बनेगा, ये पूरा देखिए जोन ही बड़ा हो गया, सही है। 15 मिनट में हम कौन सा क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ इतना ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइक सप्लाई जोन हो गया है, सही बात है। हाँ हाँ 1 hour या फिर 30 मिनट में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा है ना मार्केट में? हाँ जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है वो अच्छा होता है। अच्छा अच्छा ओके But thank you, sir. Yeah, sure, sure. Wait. Euro JPY का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, देखिए मतलब wait, एक काम करेंगे trend line touches से, लेकिन supply ठीक है, मतलब break हो जाएगा लग रहा है। I'm more interested अगर price इस area में आता है, see this area में अगर price आता है तो I'm more interested personally for selling scenario। लेकिन same चीज जैसे हमने वो JPY दूसरे pair में देखा था ना 200 pips के लिए, same चीज यहाँ भी हम 200 pips के लिए target कर सकते हैं। और अगर मान लो देखिए अभी सुबह तो हम मतलब ऐसे नहीं है, देखिए मुझे मैं एक बात बताना चाहूंगा, मंडे को जो ओपनिंग होता है मार्केट का, तो मंडे को मार्केट का ओपनिंग होता है, एशियन सेशन होता है पहला, उसके बाद लंदन सेशन होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन आता है, उसके बाद लंदन क्लोजिंग आता है, फिर बाद में फिर ऑस्ट्रेलियन और ये होता है सेशन वाइज। तो मंडे में होता क्या है कि दोपहर तक मतलब 3-4-5 बजे तो होता क्या है कि एक मार्केट का अच्छे तरह से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन
मार्केट का फॉर्मेशन मंडे में होता है। सो मतलब ये सारी चीजें अभी मैं मतलब बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को दोगलापन लगता होगा, थोड़ा सा अलग लगता होगा कि ये सब कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको जब कमांड आ जाएगा, एक सर्टन एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, आफ्टर दैट यू विल गेट टू रियलाइज इट अबाउट वेरी वेल। तो ट्यूजडे टू थर्सडे दिस आर द बेस्ट डेज टू ट्रेड। मंडे में फॉर्मेशन होता है, तो सेशन वाइज उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल इसके बारे में अगर देखा जाए यूरो जेपीवाई के बारे में, तो स्टिल वी आर सीइंग द सेम थिंग कि देखिए रिजेक्शन तो मिल गया है, रेड कैंडल का भी रिजेक्शन देख सकते हो, EQL मैंने मार्क किया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल। सो अभी इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इस जोन में आया तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे। सी मार्क माय वर्ड्स, इस अगर एरिया में प्राइस आता है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, ओके, और अगर कंफर्मेशन मिलता है तब हम सेलिंग की एंट्री ले सकेंगे। फिलहाल तो लग रहा है कैन स्विच टू द अपसाइड, और अगर डाउन आया तो दिस इज द लेवल एंड ठीक है, हाँ वही मतलब दैट इज द गुड एरिया, तो दिस इज द गुड लेवल टू टारगेट द न्यू हाई, ओके। सो दिस कैन बी दिस इज वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब जोन में आने दो, उसके बाद जोन में आने के बाद रिएक्शन देखो, प्राइस का रिएक्शन कैसे होता है। एंट्री करने में डर लगता है दीपक जी, एक काम कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। Who raised hands? Yes, you can speak. Last one. अरे वाह, जीबीपी एवडी का हमारा टारगेट हिट हो गया, हमने देखा भी नहीं एकदम, वाह। Yes, you can speak, sir. 150 people. Yes. माझा आवाज येतोय सर? हो 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 हो. ऐका ना, मला काय म्हणतोय, आपण सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स काढलेला आहे, तर सपोर्टला समजा काल एक आपण गोल्ड, हा आपण गोल्डचं काल उदाहरण घेऊया, गोल्ड काल 2005 वरून रिटर्न फिरला, सुरुवातीला 2005 तो रिटर्न फिरला आणि नंतर वर 2012 पर्यंत जाऊन परत रिटर्न खाली आला आणि 2000 पासून तो रिवर्स फिरला, बरोबर, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो 2005 से मतलब इस लेवल से बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ बराबर बराबर, हाँ वहां से ऊपर चला गया, हाँ ऊपर गया 2012 और और वापस ऊपर से नीचे आया, लेकिन इसमें से अभी 2005 ब्रेक किया तो उन्होंने मतलब क्या नीचे साइड जाना चाहिए था ना, तो ऊपर मतलब वहां पे सपोर्ट कैसे आया, वो 2005 का था या 2000 का था, मतलब ये मतलब फॉर्मेशन क्या हुआ एग्जैक्टली ये मार्केट का, वो हाँ, पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो अगर देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रांग बेरिश प्रेशर है मार्केट में, स्ट्रांग बराबर है, और इसके बाद अगर इतना आप सिनेरियो चेक करोगे, लाइक कंसीडर दिस एरिया, इतना अगर सिनेरियो चेक करोगे, थोड़ा सा हम 5 मिनट में स्विच लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, ठीक है, तो ये मार्केट अगर देखा जाए तो ये एक कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं, या इसको कंटिन्यूअस बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कंटिन्यूअस बेरिश ऑर्डर फ्लो। हाँ बराबर, तो इसमें इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है, समटाइम्स मार्केट क्या करता है, ये जो न्यू हाई है मतलब ये जो हाई है इसको टच करके नीचे जाता है, मतलब ऐसे जब सिनेरियो बाद में कभी बन जाए मतलब ध्यान में रखना, ये एक सिनेरियो होता है ऐसे कभी बनता है, और दूसरा क्या होता है, मार्केट क्या करता है नीचे डायरेक्टली यहाँ से फॉल होता है, तो ये मार्केट के दो सिनेरियो होते हैं। ओके, तो मतलब ज्यादातर ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ज्यादा तो मतलब जो स्कैल्पिंग या प्रेफर करते हैं ना, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है और टारगेट भी हमें बहुत मिलता है, तो एक्चुअली इस लेवल पे हमने भी सेल लगाए थे, लेकिन मार्केट ने मतलब ये मूवमेंट नहीं दिया ना, मतलब ये मूवमेंट नहीं दिया मार्केट ने, सो दैट्स व्हाई हमने ट्रेड नहीं लिया, सो दिस इज द थिंग। देखिए
ये मार्केट का बेरिश फ्लो, उसके बाद ये एक काइंड ऑफ लाइक फ्लो ऑर्डर फ्लो, उसके बाद ये बेरिश कंटिन्यू। 2007 से वो नीचे गया ना, तो अपना वो बेरिश में जाना चाहिए था ना, मतलब वो ब्रेक सपोर्ट जो था तो ब्रेक कर दिया था ना। देखिए एक्चुअली अगर तो सुनो, मेरा मतलब कहने मेरा सवाल क्या है कि जब भी अभी आप मान लो अभी 2000 का 2005 का था वो सपोर्ट है, तो उसको वहां से उसको टच करके बिना ऊपर आना चाहिए या उसको थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे गया तो ऊपर आना चाहिए, मतलब वो ब्रेक हो गया या नहीं हो गया ऐसा बोलते? नहीं हुआ है अभी तक, नहीं 2000 का नहीं हुआ, लेकिन 2005 का बोलेगा तो वो वीकली पे दिख रहा है और अपना डेली का भी दिख रहा है वो वहाँ पे सपोर्ट 2007 और 5 दोनों के बीच में, तो वो 5 ब्रेक कर दिया था ना उन्होंने, तो नीचे साइड गया तो मतलब हाँ, तो नीचे साइड गया तो नीचे जाना था ना। लेकिन यहाँ अगर देख सकते हो नीचे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है ना, और इसको हम सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना ये वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, रिवर्सल के चांसेस डेफिनेटली हमें मिलने ही मिलने वाले हैं। देखो अगर सिचुएशन अगर पूरी क्लियर देखी जाए तो मार्केट ने आज तक लोअर लो कभी बनाया ही नहीं, नहीं 2000 से नीचे नहीं गया, पहला भी 2000 का था इससे पहले भी, तो वही राइट, तो ये क्या हो गया इक्वल लो हो गया ना, तो जब तक ये प्रीवियस वाला लोअर लो ब्रेक नहीं करेगा मार्केट के डेफिनेटली नीचे जाने के चांसेस ही नहीं है। ओके अच्छा हाँ, 2000 का ब्रेक करता था तो नीचे जाने के चांस था बराबर, राइट। और ऐसा सीनर हाँ, तो ऐसा सीनर में सर जी कितने बार वो 2000 को टच कर सकता है, मतलब 2000 को 2 बार 4 बार 5 बार और 5 बार 6 टच किया तो 6वां बार वो नीचे जाएगा ऐसा रहते हैं? नहीं जितने कैसे होता है कि मतलब एक दो बार ही वर्कआउट करेगा लेकिन बाद में वर्कआउट नहीं करता, चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जोन वीकन हो जाता है ना। हाँ ये तो, जो सप्लाई डिमांड की जो तो मुझे हाँ, तो कितने बार वो सपोर्ट ऐसा टच करता है और वापस चला जाता है वो? नहीं वो कैसे होता है पता है क्या, डिपेंड अपॉन मतलब सिचुएशन मार्केट में किस तरीके से चालू है वो, मतलब उसके हिसाब से वो डिपेंड होता है। देखिए अभी ये जो एरिया है मार्केट में, ये जो सिचुएशन बनी है इसके पीछे कुछ तो एक रीजन होता है, सही बात है? लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू। मार्केट में सिचुएशन क्यों बनी है उसके पीछे कुछ तो कारण होता है। सी ये मूवमेंट कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, सही बात है? हाँ सही बात है। अभी मैंने मतलब इसका कॉपी ही बनाया, सेम चीज है, और फर्स्ट टाइम जब टच करता है तब 100% वर्क करेगा, मिटिगेशन का मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, लेकिन उसके बाद उसे चांसेस कम हो जाते हैं। अभी ये नेक्स्ट टाइम जब आएगा यहाँ इस लेवल पे आएगा तो डेफिनेटली इसके रिवर्स चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो क्या करेगा इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा, डायरेक्टली नीचे फॉल हो जाएगा, चांसेस कम हो जाते हैं। ओके ओके चलो नेक्स्ट वन। ठीक है सर, दिनेश घोटे यू कैन स्पीक। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? यस यस यस। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे हम आपके स्टूडेंट हैं तो कुछ हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे, जो ऑनलाइन सेशन में हमें पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो ऐसे इसमें वहाँ पे आप 4-5 दिन का सेशन ऐसा ऑफलाइन ले सकते हैं फिजिकली, कि हम थोड़ा सा हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ओके आप कौन से एरिया से, मतलब है आप कौन से एरिया से हो? मैं नागपुर से। ओके हाँ थोड़े दिन सबर कीजिए, 9 जून को हम कुछ कई सारे अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आपकी जो ये समस्या है इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है, लेकिन लॉन्चिंग अभी सिर्फ पेंडिंग है, तो अच्छा। आज 13 तारीख है, 9 जून को उसका मतलब ये हो जाएगा, लॉन्चिंग हो जाएगा। उसके लिए मतलब हमारे महाराष्ट्र में या इंडिया में आज तक वो कंसेप्ट नहीं है, वो हम चालू करने वाले हैं, तो उसमें ये जो आप समस्या है उसका पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। हमारे साथ बैठ के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग करने का मौका भी आपको मिल सकता है, तो उसके ऊपर हमारा फिलहाल काम चालू। हाँ हाँ
क्योंकि क्या है कि मैं काफी, मुझे उसमें ये है कि मैं इसमें लॉसेस भी कर चुका हूँ और प्रॉफिट भी कर चुका हूँ। बात ऐसी है कि आज मेरे पास का फंड चला गया, मैं और इसमें ये करके मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर वहां पे आके हम थोड़ा सा 4-5 दिन स्टे करके तो वहां पे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। राइट राइट हाँ। और एक रिक्वेस्ट है सर कि आप जैसे कि ये तो अच्छा है बट एक और बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सेशन ए भी रखिए थोड़ा सा, हमें जैसे जोन टू जोन आने के बाद ट्रेड डालना और ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद, बट वहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न हम बहुत इजीली पहचान सके, ऐसा एक सेशन दीजिए। ओके 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 चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। कंफर्मेशन मिले और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम लॉस में ना जाए। सही बात है सही बात है सही बात, चलेगा, करे कर कर देंगे कर देंगे। ठीक है ओके। और बाकी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा है, मुझे इंटरेस्ट आया इसमें सुनने का क्योंकि ये बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलो पक्का कर देंगे उसका। एक्चुअली हमारा उसके ऊपर काम चालू है बट इट विल टेक टाइम, मतलब एक डेढ़ महीना तो उसके लिए लग जाएगा, मतलब काम चालू है ऑलरेडी। ट्रेडिंग की दुनिया मतलब अलग ही दुनिया में आए हो ऐसा फील कराएंगे आप। चलो गाइज ओके दैट्स इट, तो काम करेंगे। अपडेट वगैरह है इसके हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे, नो वरी। और YouTube में भी ये जो सारे देखिए जिन जिन मतलब बहुत सारे का मतलब लोगों का ये आता है कि रिकॉर्डिंग, तो एक काम कीजिए मैं आपको ये करता हूँ, गोल्डन बुल्स ट्रेडिंग एकेडमी उसके ऊपर, ये हमारा YouTube चैनल है YouTube पे, तो इसके ऊपर जाके शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। और हमारे अभी जो सेशन हुआ है इसका भी अपडेट आपको, जो जो हमने पेयर्स कवर किए है इसका भी अपडेट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अगले 2-3 घंटे में, या कल आप चेक कर सकते हो मॉर्निंग में, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का। तो वहां आप सारे पेयर्स जो आज हुए हैं, जिन लोगों ने सेशन मिस किया है या जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको भी लिंक शेयर करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। आफ्टर दैट मतलब अकाउंट के बारे में ये है तो सबको बोलना चाहूंगा कि अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट ये कीजिए मतलब साइज बड़ा रखिए अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो। और जैसे इसकी बात आती है, एक मिनट देखो, ब्रोकर के बहुत सारे ये आते हैं, तो हमारा भी खुद का एक ब्रोकर है एबी कैपिटल्स नाम से, तो आप विजिट कर सकते हो, सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां आपको एक पूरा सारा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड ठीक है, लेट मी शो यू। सर मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, तो मुझे ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है, तो ऑफलाइन सेशन के लिए अब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब उसको कंप्लीट तो हो जाने दो ना, उसके बाद हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। 1-2 मिनट डेढ़ है ना, तो उसको के लिए लग जाएगा, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, नो वरी। और जैसे ये देख सकते हो आप, ये हमारा ब्रोकर है एबी कैपिटल्स, आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और गूगल पे मिल जाएगा। खुद ब्रोकर है हमारे, अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्वैप फ्री अकाउंट है, नो डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई चार्जेस नहीं लेते हम, तो वो आप सर्च कर सकते हो। ऑफलाइन ओनली इन पुणे, हाँ हाँ। और नेक्स्ट इज हमारी एक बैच भी होती है जो बेसिक से लेकर मतलब एक एडवांस तक सीखना चाहते हैं, मतलब तो वो हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, उसमें मतलब 3 वीक का जो क्लास होता है, 14 सेशंस होते हैं उसमें, 12 सेशंस प्लस 2 रिवीजन सेशंस, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट टाइम टू ट्रेड, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें होती है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज, फ्री अकाउंट ओपनिंग भी होता है आपका। और
ये सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेगी। और दूसरा जो हमारा इलाइट प्रो कोर्स है वो हम लॉन्च करने वाले हैं, इसमें 9 जून को हम उसका लॉन्चिंग करेंगे, वो एक डेढ़ महीने में मैक्सिमम वो चालू हो जाएगा। सो उसमें जो सारे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब ये क्या होता है वो क्या होता है, सो सॉरी टू से दैट फिलहाल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आफ्टर लॉन्चिंग मैं खुद आपको सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और कैसे आपको प्रोफेशनल अप्रोच तक आपको लेके जाना है, कैसे प्रोफेशनल बनाना है, उसका एक पूरा गाइडेंस हमसे मिल जाएगा। सो नो वरीज, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय और हैव अ गुड नेक्स्ट वीकेंड।